हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश। तो फ्रेंड, हम अपने कीबोर्ड पे आ चुके हैं और आज हम देखेंगे कि हम गाने के साथ साथ हम कीबोर्ड कैसे प्ले करें। या तो सोलो परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप, मतलब खुद गा रहे हैं और खुद प्ले कर रहे हैं, या कोई सिंगर सामने से गा रहा है तो उस पर हमको कॉर्ड कैसे प्रेस करना है, ठीक है, कैसे लगाने हैं कॉर्ड, वो हम इस पूरे वीडियो में सीखेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आप खुद गाना गा रहे हैं या कोई सिंगर गाना गा रहे हैं तो उसमें पियानो की जो पूरी मेलोडी है वो प्ले करनी नहीं होती, ठीक है। राइट हैंड वाली जो प्ले होती है ना मेलोडी, वो नहीं प्ले करनी होती, सिर्फ उसमें हमको कॉर्ड देना होता है। तो वो कॉर्ड हम कैसे देंगे वो हम अभी सीखने वाले हैं, और उसके मैं आपको दो टेक्निक बताऊँगा, ठीक है, बहुत ही ईजी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी और एडवांस की चीज़ आते जाएगी, लेकिन मैं आप आज इस वीडियो में आपको सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि हम गाने के साथ साथ कैसे कॉर्ड प्ले करेंगे। तो देखिए, अगर आपको ऐसा प्ले करना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको उस गाने का स्केल पता होना चाहिए, और स्केल के साथ साथ कॉर्ड पता होने चाहिए कि कौन से कॉर्ड उस गाने पे लग रहे हैं। तो इसके लिए आप इंटरनेट से जो भी है गाने में आप मतलब गाने चाहते हैं और साथ में प्ले करना चाहते हैं, तो उसका आप कॉर्ड चार्ट सबसे पहले निकाल लीजिए। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट है जो chords.pianobajao.com, उस पर भी जा सकते हैं, पर उस पर अभी बहुत सारे कंटेंट अपलोड नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उसमें और भी गाना अपलोड किया जाए, पर अगर वो गाना उस पर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरी जगह से भी कॉर्ड के चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि जैसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, अभी एक हम सॉन्ग करेंगे एक प्यार का नगमा है, उसी में हम इसे अप्लाई करके देखेंगे। तो ऊपर देखो दिख रहा होगा आपको लिरिक्स है, लिरिक्स के नीचे में कॉर्ड है, मतलब जो बोल के नीचे कॉर्ड चेंज होता है ना वहाँ पे कॉर्ड लिखा हुआ, तो वहीं पे हम लोग को कॉर्ड ट्रेस करना है, मतलब ट्रेस करना है और चेंज भी करना है वहाँ पे। तो चलिए इस सॉन्ग को देखते हैं। ये सॉन्ग का जो स्केल है ना, हम लोग सी मेजर से कर रहे हैं, सिंपल सी डी ई एफ जी ए बी सी, और इसमें जो कॉर्ड लगेंगे वो लगेंगे सी मेजर, जो कि ये सी ई जी, जी मेजर, जी बी डी और एफ मेजर, एफ ए सी, तीन कॉर्ड लगे हैं। फ्रेंड, अगर आप ये सब चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा तो हमारे जो बेसिक कॉर्ड वाले वीडियो वो सबसे पहले देख लीजिए, आपको एक बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है, वो सबसे पहले देखिए, कॉर्ड समझ आएगा, फिर आप ये वीडियो पे आइएगा तो पूरा आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड में जो है वो कॉर्ड के रूट नोट को पकड़ना है, मतलब अगर हम जहाँ पे सी मेजर बजा रहे हैं तो सी मेजर का रूट नोट मतलब सी, रूट नोट मतलब बेस नोट जहाँ से चालू हो रहे हैं, तो सी, तो लेफ्ट हैंड में सिर्फ एक नोट दबाएंगे और राइट हैंड में उसका कॉर्ड दबाएंगे जो कि है सी ई और जी, और इसको इन्वर्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, जी सी और ई, ये सी मेजर राइट हैंड में पूरे कॉर्ड दबाने हैं सी मेजर के, और लेफ्ट हैंड में उसका रूट नोट ये, ठीक है। वैसे अगर हम लोग जहाँ पे जी दबाएंगे, जी मेजर, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जी का रूट नोट इधर लेफ्ट हैंड में रूट नोट जो कि है जी, और राइट हैंड में जी का पूरा कॉर्ड मेजर कॉर्ड ये, ठीक है। और वैसे एफ का रूट नोट लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में एफ का कॉर्ड, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं इसमें आपको सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा सिंगिंग वगैरह नहीं करता, मुझे रियाज नहीं, अगर हाई नोट में मुझे हाई नोट में सुर अगर थोड़ा सा ख़राब होता है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सिंगिंग का रियाज ज़्यादा करता नहीं हूँ, ठीक है, मैं पियानिस्ट बस हूँ। देखो, इसका जो पैटर्न होगा ना वो ऐसे प्ले होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड में रूट नोट राइट हैंड में कॉर्ड, 1 2 3 4, बदलेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा चलेगा। अब इसमें आपको साथ में गाना है, और कहाँ पे कॉर्ड चेंज होंगे उसके लिए आपको कॉर्ड का जो चार्ट है वो प्रिफर करना है, ठीक है। देखिए, ऐसे प्ले करना है। एक बार और देखिए थोड़ा स्लो में, देखो यहाँ पे रूट नोट प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पे कॉर्ड, एक प्यार में चालू हो रहा है, ठीक है, कॉर्ड तो वहीं से चालू करना है, एक प्यार का नगमा है, है में भी लग रहा है सी, मौजों की रवानी है, अब यहाँ पे चेंज होगा,
होगा। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ठीक है, ऐसे प्ले करना है, सबसे बेसिक है, इसे कोई भी प्ले कर सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है शुरू में। अगर आप ये नहीं किए हो तो थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ये। ऐसी मतलब आप दूसरे गाने के साथ, दूसरे स्केल के कॉर्ड के साथ भी कर सकते हो सेम टेक्निक, ठीक है। 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला टेक्निक है, ठीक है। आप इसे दूसरे गाने में भी कर सकते हो, जैसे देखो सेम सी जी और एफ लगाएंगे ये वाले गाने में। ऐसा ही ना सेम टेक्निक के साथ अब सभी सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। ये हो गया पहला टेक्निक। अब सेकंड टेक्निक भी यही है, बस आपको ना राइट हैंड में जो है आरपीजीएस प्ले करना है। आरपीजीएस मतलब ये कॉर्ड हम लोग शुरू में क्या कर रहे थे, फिर एक साथ प्रेस कर रहे थे राइट हैंड में, अब इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है, ब्रोकन कॉर्ड यूज़ करना है। मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा चलेगा राइट में, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा यूज करना है। इसमें थोड़ा सा और अच्छा लगता है, देखो जैसे आरपीजीएस वाले पैटर्न है। एक प्यार का नगमा है जो की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, ऐसा यूज होगा। तो ये जो दो पैटर्न है वो बेसिक पैटर्न है, ठीक है, इसमें आप ट्राई कीजिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें जरूर पूछ सकते हैं। और हमने जो बेसिक वीडियो बनाए थे, मतलब बिगनर्स टू मास्टर कोर्स वाले जो वीडियो है, वो फ्री में आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर, वो सबसे पहले आप देख लीजिए, पूरा बेसिक उसमें कवर है। उसके बाद ये सब एडवांस के टॉपिक पर आइए, ठीक है, उसके लिए बेसिक कवर होने चाहिए। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।